धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए और इस आयोजन के लिए भी कि बिल्कुल एक ज़रूरी परिप्रेक्ष्य में इसका स्वरूप तय किया गया है कि जिन पत्रकारों की हत्या हुई है उनके मामले कहाँ तक पहुँचे हैं और जिनको पीछा किया गया है उनके मामले में क्या क्या कुछ हुआ है। ये पहलू कई तरह के चर्चाओं में ये बातें आ रही थी लेकिन अलग से इनको नहीं देखा जा सका था, इनको उतनी प्रमुखता नहीं मिल पाई थी, इसलिए मुझे यहाँ आना अच्छा लगा कि इस पर आज बात होगी। वैसे जिनके खातिर कुछ लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई वो अभी 24 घंटे से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। हम समझ सकते हैं कि रुपया 72 रुपया, $1 72 रुपये का हो गया है, उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं, पर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अंबानी इतने प्रिय हो गए कि उसके लिए भी आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दिया कि इन्हीं आदरणीय शख्स को हर तरह के सवालों से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, जो स्वाभाविक सवाल थे पत्रकारिता के, जो सरकार बनते ही किसी भी सरकार के बनने के साथ शुरू हो जाते हैं, टीका टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, उन पर हमला किया जाने लगा। और ये बहुत शुरू में लोगों ने सोचा कि कोई जनादेश की ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, वो जनादेश जो बहुत ही सकारात्मक तरीके से किसी नेता को चुनता है, वो अचानक उसके शपथ ग्रहण के बाद वो जनता गाली गलौज की भाषा में बात करने लगती है। तो बहुत लोगों ने समझाया कि ये जो ट्रोल हैं वो स्वाभाविक अभिव्यक्तियों का हिस्सा हैं, जिन्हें कई बार अति उत्साह में ये समझ में नहीं आता कि कैसे बोला जाता है। उन्हीं दिनों के आसपास दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में मैं स्वपन दास गुप्ता के साथ था, वो वही बता रहे थे मेरे साथ बगल में बैठ के। तो मैंने उनसे तब कहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो गालियाँ हमें दे रहे हैं, जो नहीं बोल पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये तो घर में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे बहुत बातों को, तो क्या अपनी माँ को, अपने पिता को ये गालियाँ देने लगे हैं अचानक से? और ये सब कुछ नहीं बोल पाने की जो कसमसाहट है वो इनके शपथ लेने के बाद शुरू होती है, उसके पहले नहीं शुरू होती है। तो इसको एक तरह से सामान्य बनाया गया ट्रोल को। और ये ट्रोल आए कैसे? बहुत ही अपने आप को इन्होंने शुरू में लेजिटिमाइज किया कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, आप ये पूछ रहे हैं कि आप $1.72 का हो गया, तब कहाँ थे आप? तब मान लीजिए नेहा दीक्षित स्कूल में होंगी, हम भी स्कूल में होंगे, तो हम कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ का पता रखें आपको बताने के लिए? नहीं थे कहीं, यही सवाल हम पूछ रहे हैं। क्या किसी सवाल को पूछने से पहले ये होना ज़रूरी है कि आप पहले कहाँ कहाँ थे? तो ये एक इज इक्वल टू की थ्योरी बनाई गई कि पहले भी होता था, अब भी होता है, अब आप बोल रहे हैं, पहले आप नहीं बोलते थे, पहले हम एंकर ही नहीं थे, पहले आप ही हमको नहीं जानते थे, तो मेरे बोलने लिखने का क्या मतलब था? तो ये एक तमाशा खड़ा किया गया उस एक आदमी को सुरक्षा कवच देने के लिए जो अभी बोल नहीं पा रहे। तो उनको एक पहले प्रोटेक्ट किया गया, तो ऐसे हम लोगों को आइसोलेट करने की एक कोशिश की गई। वो हमला बहुत जोरदार था, 2013 तक इस तरह से चीजें नहीं थी, लेकिन 14 के बाद ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। सब कुछ उनके अनुकूल हुआ है, सत्ता मिली है और बहुमत इतना प्रचंड है कि किसी भी प्रकार का कोई संदेह का खतरा नहीं है, तो ऐसा क्या हो गया है कि अचानक लोग हम जैसे लोगों को गालियां देने लगे हैं? और हम बहुत आलोचनात्मक हो जाते हुए भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। तो शुरू में कहा गया कि आप एंटी मोदी हैं,
तो ये धारा बनाई जा रही थी कि हम सब जिसने एक चुनाव में तत्काल परिस्थितियों को देखते हुए एक राजनीतिक विकल्प को चुना है, अब उस चुनने के बाद हम सबको प्रो मोदी होना है। तो वोटर का, समाज के भीतर वोटर का वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ प्रो मोदी का। तो वो ये तभी संभव हो सकता था जब 2, 4, 10 लोग एंटी मोदी बताए जाते। तो समझ में ये बात नहीं आती थी कि इसमें एंटी मोदी होना क्या है, कि अगर हम कहें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप बोल नहीं पा रहे हैं कि रुपया एक डॉलर के सामने 72 के बराबर कैसे हो गया, उससे ज़्यादा कैसे हो गया, इसमें एंटी मोदी होना क्या है? क्या आप बता सकते हैं इसमें एंटी मोदी होना क्या है? हमारे यहाँ तो अवतारों को भी नहीं बख्शा गया, उन पे भी कई तरह के शास्त्रार्थ हैं, आपस में बहुत तरह की कहानियां हैं। तो उनको कहा गया कि आप एंटी मोदी। फिर धीरे धीरे उसको शुरू किया गया और कहा कि आप एंटी इंडिया हैं। जब तक ये एंटी मोदी था इज इक्वल टू के थ्योरी के बाद जब ये एंटी मोदी पर गया और एंटी मोदी एंटी इंडिया तक आपको बनाया गया, ये डिजाइन बहुत जल्दी समझ में नहीं आया। 3-4 साल गुजर जाने के बाद इस डिजाइन का कुछ हिस्सा हम समझ पाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रोलिंग हुई थी वो अकूत संसाधनों के बदौलत हुई थी और इसके लिए बहुसंख्यक समाज के लड़कों को दंगाई बनाया गया था। वो समझ रहे थे कि उन्हें प्रो मोदी बनाया जा रहा, लेकिन उन्हें दंगाई बनाया गया। दंगाई का काम क्या होता है? एक सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है, एक रणनीतियां बनाता है। लेकिन पहली बार बहुसंख्यक समाज के भीतर एक ऐसे हिस्से को का निर्माण किया गया और वो तैयार किया गया, उसका हिस्सा काफी बड़ा था, जो ऐसी हत्याओं पर, ऐसे हमलों पर या तो चुप रहे या फिर उसको छोड़ के तरह तरह से उसको उचित ठहराने के लिए तर्कों का जुटान कर, तथ्यों का जुटान कर। मारा गया है अखलाक, बात हम किसी और चीज पे कर रहे हैं। और आप देखिए कि उसको किस तरह से, उसका एक नेटवर्क था। 4-3 साल बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते कि हम अखलाक के बाद भी जीते। आप जीते, बिल्कुल जीते, क्योंकि आपने ट्रोल के जरिए, जब वो बहुसंख्यक समाज सोचेगा कि हमारे लड़के किसी नेता के पीछे पागल हो जाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन दंगाई बन जाए, ट्रोल बन जाए, क्या वहां तक भी ठीक है? इस बहुसंख्यक समाज को तो बताना पड़ेगा, अगुआ को बताया गया था हमारा लड़का इंजीनियर है, साथ में 2-4 रवीश कुमार को भी गाली देता है मां बहन की, बताएगा क्या दरवाजे पे बैठ कर उसका बाप? नहीं बताएगा। तो ये समाज में तैयार किया गया। तो इसमें ये तरीका क्या था कि आपको समाज से, सरकार से, जैसे ही आपकी पहचान वो एंटी मोदी और एंटी इंडिया कराता है, तो सबसे पहले आप उस सरकार, जो कि आपकी अपनी भी है, भले ही आप उसको चलाने वाला आपके, आपकी सोच का, आपके अनुकूल का ना हो, पर वो सरकार तो मेरी भी है ना, तो उस सरकार के सामने आपको निहत्था किया जाता है। और जब ये एहसास करा दिया जाए कि इतनी बड़ी हुकूमत के सामने आप अकेले हैं, निहत्था हैं, और उसके सामने आप अलग थलग कर दिए गए हैं, वो डर सामान्य डर नहीं होता है। आप पूरी तरह से ऑफ गार्ड कर दिए जाते हैं कि अब आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरी तरफ जब वो एंटी इंडिया कहते हैं, और एंटी इंडिया कहते कहते जब वो एंटी हिंदू कहते हैं, तब उस बहुसंख्यक समाज को भी आपके खिलाफ तैयार कर दिया जाता है, ताकि आप समाज से भी आइसोलेट कर दिए जाए, अलग थलग कर दिए जाए। ये चीज सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रही थी, ये चीज उस वक्त चंद लोगों के साथ हो रही थी। वो चंद वो लोग थे जो अभी भी वो कोशिश कर रहे थे कि हम पत्रकारिता की, जो भी हमारे पास सीमित संसाधनों में तमाम अंतर विरोधों के बावजूद करने की जितनी भी जमीन बची हुई है, हम उसमें वो काम करते रहेंगे। तो उनको घेरा गया, और खासकर उस बहुसंख्यक समाज को आज न कल इस बात का जवाब देना पड़ेगा
कि कैसे उसने महिला पत्रकारों को दी जाने वाली गालियों को बर्दाश्त किया और उसका स्वागत किया। उसको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। महिला पत्रकारों को जिस तरह से ट्रोलिंग की गई, उन्हें गालियां दी गई, बलात्कार करने की धमकी दी गई, ये धमकी सिर्फ और सिर्फ उस बहुसंख्यक समाज के भरोसे दी गई जिसके बारे में इन तबकों का मानना था कि वो भी बलात्कार, हिंसा और हत्या का समर्थक हो चुका है। तो वो दरअसल हम 4, 10, 25 लोगों को टारगेट करते हुए उस बहुसंख्यक समाज को हिंसा के प्रति सहमत होने के लिए तैयार कर रहे थे, और इस सहमति में हम तो बचाव करने के लिए खड़े भी हैं, पर गांधी अपना बचाव कैसे कर पाए, जिनकी हत्या को जस्टिफाई करने के लिए कविताएं लिखी गई, बहुत ही हाई स्किल कविताएं लिखी गई, जिनकी हत्या को जस्टिफाई करने के लिए लोग आपके ही सामने आकर कह रहे हैं कि आप वोट से जयंती मनाएंगे। मनाओ भाई, अंबानी पर नहीं बोल पाओगे तो वोट से जयंती ही मनाओगे ना, क्या करोगे, मनाओ, क्योंकि आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप मनाओ वोट से जयंती। चूंकि आप चुनाव जीत जाते हैं तो दो एंकरों को आप नौकरी से निकलवा दीजिए, क्योंकि आप चुनाव जीत जाते हैं अखलाक के बावजूद, आप पता नहीं कितनी चीजों के बावजूद चुनाव जीत जाते हैं। कल को आप ये भी कहेंगे कि 100 रुपया पेट्रोल कर दिया इसके बावजूद हम चुनाव जीते, और हमारा विरोध करने वाले एंटी इंडिया थे। आप कुछ भी कह सकते क्योंकि आप चुनाव जीत जाते। जीतने के बाद सिर्फ आप यही नहीं बोल पाते कि वो आदमी उस डील में पार्टनर कैसे हो गया, तो आपको डराया गया, रातों रात ट्विटर पर हजारों हमले किए गए। हम जैसे लोग जो तैयार नहीं थे इस समय के लिए, समाज के लिए, अपना काम साधारण ढंग से ही करते चले आ रहे थे, रातों की नींद उड़ गई। समझ में नहीं आया कि इतनी गालियां क्यों दी जा रही हैं। समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ट्रोल, जिसे एक अनजान अनाम सेना के रूप में पेश किया जा रहा था, लेकिन जब हम अपनी सोसाइटियों या क्लब में या कहीं और जा रहे हैं, वहां पे लोग पकड़ के क्यों गाली दे रहे थे? वो क्या नेता के यार थे, उठते बैठते थे, जो उसको सब पता था उनको सही या गलत थी? तो ये एक ट्रोल का सोशलाइजेशन किया गया ताकि आप आइसोलेट होते जाएं, और ये स्थिति बहुत भयानक थी। जिस एहसास के साथ कि आपको हर उठती गिरती निगाह ये देखे कि आज आप जिंदा हैं कल आप मार दिए जाएंगे, आज आपकी नौकरी है कल आपकी नौकरी चली जाएगी, इस एहसास के साथ जीना और अपना काम करना, हम लोगों का ठीक है एक ज्यादा सुरक्षा है, पर आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो अपना साधारण ही काम कर रहे थे, जिनके पास इतनी सुरक्षा नहीं है, उन पर क्या बीती। मैं समझता हूँ और बता सकता हूँ कि क्या बीती है। रात रात भर नहीं सोया, दिन दिन भर बेचैन रहा कि ये वो क्या था। किसी चौराहे पर गाड़ी रोकने पे कोई शीशा नीचे करके गाली दे देता था कि तेरे को देख लेंगे। आप बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं तो वहां टेबल पे बैठे हैं खाने के लिए, वहां आकर गाली दिया जाता था कि आपको देख लेंगे। इतने लोग देखने वाले तैयार हो गए किसके शह पे? क्या हिंदुस्तान की जनता ने 2014 में यह तय किया था कि इनको लाओ और इनको लाके ये 10-20 पत्रकारों को पिटवाओ, ये इसलिए आप लोगों ने फैसला किया था? तो इस देश का समाज इतना बुजदिल हो गया, मैंने इतना बुजदिल इंडिया कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। वो बुजदिल इतना हो गया कि 2014 से पहले जिस तरह से लोग स्वाभाविक रूप से सरकार से टकरा रहे थे, बात बात पे रामलीला मैदान में जमा हो जा रहे थे, ये कितना अच्छा क्षण था कि आप जनता बहुत दिनों के बाद ये एहसास कर रही थी कि कितनी भी 10 साल से चली आ रही सरकार हो या 20 साल तक चलने वाली सरकार हो, हम उससे बड़े, हमारी हैसियत बड़ी है। फिर ऐसा क्या हुआ लोगों में कि वो इतना जनता इतनी बुजदिल हो गई?
मेरी कोई बहन नहीं है जिसके खिलाफ कोई मामला चल रहा है। एक ऐसे आदमी है जिनको प्रधानमंत्री भी फॉलो करते हैं और वो अफवाह फैला रहा है। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटा काम करते हैं, वो यही काम करते हैं, गाली देने वालों को फॉलो करना, धमकी देने वालों को फॉलो करना। तो जब आप ये सब काम कीजिएगा तो रातों को भी तो जागिएगा ना, और क्या करेंगे आप काम क्या करते हैं? तो आपको रातों को जागना पड़ा, क्योंकि ऐसे लोगों से तो आप दिन में जाके नहीं मिल सकते थे, हालांकि आप वो भी मिलने लगे, वो हो जाता है। तो इस तरह के लोगों से जो अफवाह उड़ाने वाले हैं, जो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले हैं, उन सब लोगों को अचानक परिवार के लोगों को टारगेट किया गया। हम खानदान का तो ठेका नहीं ले सकते, कोई ले सकता है? तो आप भाइयों के बहनों की तस्वीरें लगा लगा कर आपने ये तमाशा किया, और मैं ये देख रहा कि एक नेता के पीछे किस तरह से इंडिया बुजदिल इंडिया होता चला जा रहा है। वो इस कदर बुजदिल हो जाएगा, मुझे यकीन नहीं था कि मामूली से सवाल करने वालों को, कि भाई बहन को बीच विवाद में लाकर आप एक ऐसी भीड़ तैयार कर रहे थे कि भीड़ अपना फैसला कर ले और इनको कहीं पकड़ के मार दे। तो आपने उसको तैयार किया, उसको नॉर्मल बनाया। एक एंकर का रातों रात नौकरी से चले जाना नॉर्मल बात। तो आपने जब इतने सारे कानून पास किए, यही पास कर देते कि मेरी कोई आलोचना नहीं होगी, ये नहीं पास कर सकते थे? आप अब तक किए क्या, कौन सा काम कर रहे थे? तो राजनीतिक नेतृत्व में आप पूछेंगे कि उसने नरेंद्र मोदी की खूबी क्या है? खूबी है वो भारत के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक ऐसे पॉलिटिकल कल्चर को प्रोड्यूस किया है जो मां बहन की गालियां देता है, जिसमें हम जैसे लोग निहत्थे हो जाते, समझ में नहीं आता क्या होगा। जा रहे हैं यहां, चार लोग कहता जाना बंद करो तो कोई मार देगा तुमको, कोई यहां से उठ के चला आएगा वो मार देगा तुमको, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी मार देगा तुमको। अब आप ये बताइए, मारने और निकाल देने के इतने सारे कान में सलाह सुनते सुनते आप जिंदा रह पाएंगे क्या? तो गालियों का गणतंत्र बनाया इन्होंने, इसके बावजूद ये 40 साल चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ये बात 40 साल तक सत्य रहेगी कि हिंदुस्तान के गणतंत्र को जिसकी विविधताएं बोलती थी, उस गणतंत्र को गालियों के गणतंत्र में बदलने का प्रयास किया। अब जब चुनाव आ रहा है और लोग हिसाब करने वाले हैं, तो अमित शाह कहीं कहीं बोलते हैं हमें गालियां नहीं देनी, हमें अपने काम का प्रचार करना। तो जब ये 6 महीना हो जाएगा तो आर्टिकल भी आएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने इन गालियों की संस्कृति को काबू पा लिया, ये भी आएगा, पढ़ेंगे आप, चिंता ना करें। तो आप बताइए कि हम तो पत्रकारिता कर रहे थे, हम कहां प्रधानमंत्री से टकराने जा रहे थे? तो एक नैरेटिव बनाया गया। ये और बात है कि उनको डर लगता है कि कहीं इंटरव्यू ना मांग दे, वो भी छोड़ दिया मैं, चलो भाई नहीं करते। आपने प्रवक्ताओं को से बहिष्कार करवाया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मैं अकेला पत्रकार, मेरा बहिष्कार कराया था, हम भी याद रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साधारण अच्छे कार्यकर्ताओं का कितना बड़ा अपमान है ना, अपमान कि वो कार्यकर्ता भी अपने उस पार्टी के जरिए लोकतंत्र के बारे में कुछ ना कुछ सोचता होगा, लेकिन उनके प्रवक्ताओं के जो प्रमुख हैं और पार्टी प्रमुख हैं, वो कहते हैं रवीश कुमार के शो में मत जाना, आओगे किस मुंह से, जवाब नहीं होगा तो आप गाली देंगे, बहिष्कार कर। तो आप क्या होता है कि ये बहिष्कार का एक मतलब होता है, इस पेशे में आपको इंटरव्यू नहीं देना, आपके शो में नहीं आना, तो वो आपको इररिलेवेंट और प्रासंगिक बनाता है। भाई आप किसी काम पे तो है नहीं, आपको बिग इंटरव्यू नहीं मिलेगा, वो बिग नेता नहीं आएंगे जो मेरे नाम से उनका पसीना छूट जाता है। तो अब मैं क्या कहूँ आप बताइए, जो लोग मेरा बहिष्कार करते हैं तो मैं उनको और क्या कहूँ, मैं कोई अहंकार भी नहीं कह रहा,
पसीना छूटता होगा, इसीलिए तो बहिष्कार कर रहे हैं ना। फिर और क्या कर रहे हैं? 2 साल हो गया, मुझे लगा कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं 1.5 महीने के बाद आ जाए, इतना चलता है, टाइम देना चाहिए। 2 साल गुजर गए, 2 साल में भी वो मेरे शो में आने लायक उनकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई, जबकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसने कई जिलों में नए नए मुख्यालय बनाए। तो एक तरह से आपको अलग, और उन नए नए मुख्यालयों की तस्वीरें जाकर देखिए ना, क्यों नहीं देखते? कितना कुछ नया है, सिर्फ बोलना, पूछना, बात करना, यही गुनाह हो गया। तो आपको अकेला कर दिया गया, आपको दोस्तों से अकेला कर दिया गया, आपको अपने सामान्य जिंदगी से अकेला कर दिया गया। ये इतना आसान नहीं था। हम किस्मत वाले लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग मिले, सहारा देने वाले, मनोवैज्ञानिक सहारा देने वाले, हौसला देने वाले, लेकिन तब भी परेशानियों से बहुत गुजरे हैं हम। ये कहीं से भी ये धारणा आपके आप तक नहीं पहुंचने देना चाहते कि इससे मेरी नींद हराम नहीं हुई, रात रात भर नींद नहीं आई, कई दिनों तक नींद नहीं आई, इस तनाव से हम गुजरे हैं। कोई भी पत्रकार जिसको ये लगे कि कल उसकी नौकरी जा सकती है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब आप सोचिए कि जो बाकी लोग फ्रीलांस कर रहे हैं, उनकी तकलीफ कितनी ज्यादा होगी, उन पे केस कर दिया जाए, वीडियो बना के भेज रहे हैं कि आपको काट के मार देंगे, बताइए, फोन कर रहे हैं आपको काट के मार देंगे, आपको सुन के कैसा लगेगा? दिन रात आपके वीडियो पर आए, घर के लोग देखें, घर के और भी परिवार वाले, उन पे कैसा लगेगा? और तब आप सोचिए कि जिनके यहाँ गोलियां चली हैं, जो गोलियों से मारे गए हैं, उन परिवारों को क्या बीतती होगी? तो हम किसके लिए और किस बात के लिए, किन तर्कों से हिंसा के इस बात को सपोर्ट कर रहे थे? क्या इन सब बातों के बिना आप इतने बुजदिल हो गए हैं कि उस नेता का सपोर्ट नहीं कर सकते? क्या उस नेता की जरूरत इसी काम के लिए है कि हमको ट्रोल आर्मी चाहिए था हिंदुस्तान में, जो गालियां दे लोगों को मारे, जो वोट देने के लिए देने के बाद निकले तो 10 लोग लाठियां लेके, डंडे लेके उसके कार के पीछे दौड़ जाएं? ऐसा हम लोगों ने क्या किया? और जब बताने जाइए तो तमाम तरह के पत्रकारिता के अंतर विरोध को खड़ा कर देते हैं। पुलिस के पास जाइए तो पुलिस काम नहीं करती, जांच नहीं करती, क्योंकि वो जो सारा नेटवर्क था वो स्वाभाविक नेटवर्क नहीं था, लोगों का वो बनाया हुआ नेटवर्क था, उनको पावरफुल लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनमें से बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री उनको फॉलो करते हैं इस समाज में। तो इस समाज को उसकी आंख में आंख मिला के बताना तो पड़ेगा ना कि 5 साल में तुम्हारी ये हालत हो गई कि देश का प्रधानमंत्री इतनी हिम्मत कर लेता है कि वो गाली देने वालों, झूठ का प्रोपेगेंडा करने वालों को फॉलो करता है। क्या आपको इसी के लिए मजबूत नेता चाहिए था? बहुत सारे गली मोहल्ले में ऐसे मजबूत नेता घूम रहे हैं, उन्हीं को बना देते हैं। अगर इसी के लिए मजबूत नेता चाहिए था, ये हुआ क्या? 24 घंटे उस हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से इसने मीडिया का भी इस्तेमाल हुआ, न्यूज चैनलों का। जो एंकर 2011-12 के साल में आंदोलनों में, उससे पहले वो भूत प्रेत पिशाच दिखा रहे थे, स्वर्ग की सीढ़ी खोज रहे थे, और 21 दिसंबर 2011 या 12 में एक तरह से वो अपनी पत्रकारिता को छोड़कर दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे थे, वो अचानक अन्ना आंदोलन के एक इंटरव्यू से मिली टीआरपी के बाद वो सक्रिय हो, वो सवाल पूछने लगे, तो अच्छा हुआ अपने आप को रिवाइव किए, लोगों में भी विश्वसनीयता बढ़ी, और उसका एक फायदा एक पार्टी को भी हुआ सवाल पूछने से। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आते थे मेरे शो, फोन करते थे, अरे भाई साहब हफ्ते में एक दिन मेरा लगवा देना, क्या बात है, हमको बुलाते थे। मैं तो अपना गली कुची में घूमने वाला, मुझे मैं भी समझ नहीं पाता था कि इनको कैसे डील करूं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, आधे मंत्री हैं उनमें से फोन करने वाला, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं कहीं निकल जाता देखता था ये फोन पे इनके नाम बस कर, अरे बुलाए नहीं 15 दिन हो गया है, बुला लिया कर, तुम तो हमारे स्टेट के भी हो।
वो लोग साइलेंस में चले, जो ऑफिसर बात करते थे वो साइलेंस में चले। आप उनके पास अपनी समस्या लेके जाइए कि भाई हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए ना उसी गवर्नमेंट से, वो आपकी थोड़ी है, हमारी है। देखिए वो तो सब अच्छा है, हम आपके फैन हैं, मेरी वाइफ तो आपका प्रोग्राम देखती है, लेकिन वो आप समझते हैं इसमें कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम है। मेरी माँ आपका प्रोग्राम देखती है, वो तो कभी प्राइम टाइम नहीं छोड़ती। मैंने कहा सर देखिए इतना सारा प्रॉब्लम है, गाली देके जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो देखते हैं, वो तो आप समझते हैं। फिर भी उसी तंत्र से कुछ लोग निकल कर आए, उन्होंने कहा कि नहीं हम इस बात का ध्यान रखेंगे, अच्छी बात है, लेकिन वो डर उनके भीतर भी बैठ गया। हर कोई डरा हुआ है, अरे भाई डर से आजाद करो। हमने अपनी आजादी किसी के पीछे इस तरह से सौंप दी, पता ही नहीं। और वो न्यूज चैनलों के जरिए जनता को आइसोलेट कर दिया, आप अपनी समस्याओं को लेकर खड़े हैं। अब मेरे पास इस तादाद में आने लगे कि मैं लगता कुछ दिनों में पागल हो जाऊंगा, मैं नहीं संभाल सकता, मुझे ये लिखना पड़ता है, मेरे पास कोई सचिवालय नहीं है। तो वो झेलना भी एक तरह से वो टॉर्चर है, क्योंकि कोई अब कर नहीं रहा है, वो हिंदू मुस्लिम एजेंडा, एक कश्मीर एजेंडा, दिन रात देते रहो लोगों को और जनता को हेल्पलेस कर दिया है मीडिया के जरिए। ये स्थिति है, इस स्थिति में हम लोग जिए हैं, जी रहे हैं। आसान नहीं है कहीं जाकर बोलना, क्योंकि वो काउंट होता है और फिर उसका फिर अटैक प्लान होता है, पता नहीं वो किस किस को फॉलो करते हैं, किस किस को पीछे लगाते हैं, मेरे खानदान में और लोगों को निकाल रहे हैं और फिर वो मीम बना के वो चला रहे हैं। वो आजकल वो इनका भाई ये है, उनकी इनकी बहन ये है, तो सब देख रहा हूँ, सब सह रहा हूँ, ये मेरे काम के बदले काम का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उनको मालूम है ये कुछ लोग हैं जो उनके गुलाम होने से डरते हैं। तो कभी ना कभी पूछ देंगे, कहीं ना कहीं बोल देंगे, अखबार में जगह नहीं मिलेगी तो यहाँ आके बोल देंगे, बिना लाग लपेट के बोल देंगे। बैलेंस वैलेंस नहीं करता, मैं तराजू पे बैग नहीं तोलता हूँ, छोड़ दिया वो काम। जो गलत है, आप हमारे देश में दो प्रधानमंत्री नहीं है, एक ही है, एक ही की बात होगी ना, दूसरा कहाँ से लाऊं बैलेंस करने, कोई और दूसरा भी है जिसे मैं अनिल अंबानी के बारे में पूछ सकता हूँ, आप बता दें। सुनने वाले श्रोता भी डरे हुए हैं, महिलाएं डर गई, तो इतने सारे डरे लोगों के बीच में एक आदमी जिसको लगातार, मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ, डराया जा रहा है, तो सोचिए उसकी मनस्थिति क्या होगी। उसको डील करने के लिए भी रोज अपने आप से एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, सही है कि नहीं, बात किस हद तक हम जा सकते, कहां तक जाना, रोज हाथ कांपता है, रोज डर लगता है, जिंदा है कि नहीं है, कल क्या होगा। छुट्टियों पे जाइए तो यार दोस्ती कहते तो पैसे सेव किया करो, रेनी डे से क्यों है, तो पूरी जिंदगी को आपने असामान्य बना दिया है। इसको नोट कीजिए, बातें कम बताई हैं हमने आपको, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस राजनीतिक संस्कृति का नेतृत्व तो एक ही आदमी करता है और उनका एक जुड़वा दोस्त जो उन्हीं के साथ आया है। ये आप ना कहें तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं, ये मत समझिए कि ना कहने के बाद आप सुरक्षित, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब भी जहां भी आप सवाल करेंगे आपके साथ भी वही बर्ताव होगा जो हम लोगों के साथ, हम लोगों के साथ जितना हमें बताने के लिए ये बर्ताव नहीं किया गया उतना आप जनता को बताने के लिए किया गया कि अपनी औकात समझ लेना, जब हम इनकी ये हालत कर सकते हैं तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे तुम याद रखना। तो ये इस पूरी प्रक्रिया में ट्रोलिंग से लेकर गाली देने से या किसी की एंकरिंग छीना छीन लेने से या किसी का प्रोग्राम बंद करवा देने से ये मैसेज दिया जा रहा था कि अब हम मालिक आ गए, अब तुम अपनी औकात में रहना, ज्यादा सवाल मत कर। लोगों ने सवाल करना छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया कि अब कोई पूछता ही नहीं कि 90 रुपये लीटर क्यों हो गया।
तो डिजिटल इंडिया के नाम पे बुजदिल इंडिया मत बनाइए। हम जैसे लोग बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए ज़रूर हैं, आज जैसे आप, जैसे कि आप हैं, लेकिन इतना भी इस हिंदुस्तान को बुजदिल मत बनाइए कि आप हत्याओं को इधर उधर के तर्कों से जस्टिफाई करने लगे, उसको सही ठहराने लगे। जो गांधी पे जो की हत्या को उचित ठहराते हुए जो कविताएं लिखी हैं, सुना दो यहां पढ़ के तो शर्म से डूब मरेगा। तो ये कैसे हुआ, ये प्रक्रिया कैसे हुई? ट्रोलिंग जो है वो सिर्फ सामने वाले पे हमला करने की प्रक्रिया नहीं है, वो उसके पीछे का जो समाज है जिसकी तरफ से वो हमला कर रहा है उसको हत्यारे में बदलने में या हत्या के समर्थक में बदलने की प्रक्रिया है। और उसको धर्म, राष्ट्रवाद, ये सब चीजों में मिलाकर उसका कवित्व जगता है तो जाकर वो गांधी की हत्या को उचित ठहराने वाली कविता लिखता है। तो वो गांधी की हत्या को सही ठहराने के लिए कविता उसने नहीं लिखी, उसने अपने आप को भावी हत्यारा बनाने के लिए और उसको कन्विंस करने के लिए उसको वो कविता लिखी थी। उन सब चीजों को भी पढ़ के हम लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि ये आदमी तो कल को जो अपनी सोच में गांधी को दोबारा से मार रहा है वो आपको क्यों नहीं मार रहा? मार सकता है। तो गुजरे हैं, हम में बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को लेकर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। यही जो बोल रहा हूं, यही इलाज, क्योंकि जिस तरह चुप रहते हुए, सहते हुए और किसी की हत्या को सही ठहराते हुए आप हत्यारा बन रहे होते हैं, उसी तरह से उसके खिलाफ बोलते हुए आप अपनी चुप्पी, डर, कमजोरी उससे बाहर आ रहे हो, यही इलाज। नौकरी चली जाएगी और बात पे आ जाए वो उनको पता तो आ रही, बताना तो पड़े, बताना पड़े। ये जान जाने की बारी, ये हिम्मत कहां से आ गई? क्या उन्हें बहुसंख्यक समाज के बारे में इतना भरोसा हो गया है? क्या आप एक नेता के पीछे अपने लड़कों को हत्या करने वाली भीड़ में देख सकते? मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, अखलाक के लिए आपको दर्द नहीं होता है, कोई बात नहीं। उन 50 लोगों के लिए तो दर्द होना चाहिए ना जो उस भीड़ में मारने गए थे। तो हत्यारा आपके घर में पैदा हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई हत्यारा पैदा हो? आपका भाई, चाचा, आपका बाप, आपका बेटा, बेटी, बिल्कुल आपको हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। अखलाक के बावजूद उनको भी जीतना चाहिए, आपको भी कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन पहलू खान, अखलाक को मारने वाली जो भीड़ थी, उस भीड़ में कौन थे? 20-50 की भीड़ रही होगी, वो अपने अपने घरों में लौट कर तो आए होंगे ना। उन रातों को जागते हुए उनका कितना ब्लैकमेल होगा आगे की जिंदगी में कि तुम्हें एक और हत्या करनी है। उनको तो पता है ना कि वो किसी किसको मार के आए, भले कानून को पता नहीं, उनको पता है कि वो किसको मार के आए। तो ये सारी घटनाएं, ये सारी चीजें जो हो रही थी, हमारी तरफ से यही गवाही है, बहुत बार बोल भी चुके हैं, ज्यादा ज्यादा ही बोल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।